हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ये देखिए मौसम एकदम क्लाउडी सा हो रखा है। यहाँ पे अभी फर्स्ट रेन हुई है एंड ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है। आप देख सकते हैं कि प्लांट्स कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बिकॉज़ ये रेनी सीज़न है, आपने हमेशा सुना होगा कि अर्थ वॉर्म्स प्लांट के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट रेनी सीज़न में प्लांट्स के एक और बेस्ट फ्रेंड होते हैं एंड अगर उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है तो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए कुछ टाइनी क्रिएचर्स दिख रहे होंगे नीचे एंड इनको हम स्नेल बोलते हैं। ये स्पीशी बहुत ज़्यादा छोटी है। सी स्नेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं, बट आप ये देखिए ये सॉयल स्नेल है, ये अपने आप आ जाते हैं बारिश के सीज़न में अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। एंड ये देखिए कितने सारे हैं, तो अर्थ वॉर्म तो नहीं है बट ये हैं एंड ये आपके पेड़ और मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद जब भी इनकी लाइफ साइकिल ख़त्म होगी तो ये पेड़ को बेनिफिट करेंगे एंड बहुत ज़्यादा कैल्शियम देंगे पेड़ को। अभी ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पानी अच्छे से जाए अंदर, ऊपर से नीचे मोर ओवर स्पेस मिले रूट्स को नीचे जाने के लिए। तो स्नेल्स भी प्लांट्स के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। मैं फोकस करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, ये देखिए। और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए सब चल रहे हैं और ये वही स्नेल है जिसको हम हिंदी में घूंगा बोलते हैं या जिसका आप शंख बजाते हैं और ये ऑटोमेटिकली अपने आप पैदा होते हैं। ये देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपको पेड़ में आपके बारिश के सीज़न में ये दिखे तो इसको हटाइएगा नहीं, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके पेड़ के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।